इस दुनिया में हमेशा से ही महिलाओं को सुंदरता और खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता रहा है। दुनिया भर के कई हिस्सों में सांस्कृतिक परंपरा और अन्य चीजों पर ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ा है, लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पुरानी परंपरा का चलन आज भी जारी है, बरकरार है। उनकी खूबसूरती का पैमाना उन लोगों के लिए तो खास हो सकता है, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए जरूर आश्चर्यजनक, चौंकाने वाला होगा। तो आइए जानते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में लड़कियों की खूबसूरती के पैमाने क्या है। जापान, टेढ़े मेढ़े दांत। जापान में लड़कियों के टेढ़े मेढ़े दांतों को चेहरे की खूबसूरती में चार चांद माना जाता है। यहाँ पर इस लुक को येबा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डबल, और यहाँ के मर्द इस लुक के पीछे पागल होते हैं। इस लुक के लिए दीवानगी इस कदर है कि लड़कों को रिझाने के लिए जापान की महिलाएं सर्जरी का सहारा भी लेती हैं। जितने पैसे हम दांतों को ठीक करवाने में खर्च नहीं करते, उससे ज्यादा तो ये बिगाड़ने पर खर्च करती हैं। इस सर्जरी में कैनाइन दांतों पर मिनी फेंग जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से दांत वैम्पायर या किटी यानी कि बिल्ली की तरह देखने लगते हैं। किटी एक सीरीज कैरेक्टर है जो जापानी लड़कियां बहुत पसंद करती है। साउथ कोरिया, वी शेप चेहरा। साउथ कोरिया में लड़कियों के वी शेप चेहरे को सबसे खूबसूरत और परफेक्ट माना जाता है। यहाँ की महिलाएं ऐसा लुक पाने के लिए खतरनाक सर्जरी से परहेज नहीं करती। सर्जरी में जबड़े को काटकर वी शेप दिया जाता है। इस सर्जरी के सफल होने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी यहाँ की महिलाएं इस तरह के काम करवाती हैं और कई बार तो हमेशा के लिए अपना चेहरा बिगाड़ लेती हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा यहाँ की महिलाएं डबल पलक सर्जरी भी करवाती हैं, जिसे आई वाइंडिंग सर्जरी कहा जाता है। आमतौर पर अधिकांश कोरियाई नींद में और हर समय थके हुए से दिखते हैं। आंख को चौड़ा करने वाली सर्जरी उनकी आंखों को इस प्रकार बड़ा बनाती है कि वे अधिक सचेत और आकर्षक दिखते हैं। कोरियाई लड़कियों में एक नया क्रेज है और यहां तक कि बच्चों के इस सर्जरी से उनके माँ बाप को भी कोई आपत्ति नहीं है। मोरिटानिया, मोटापा। पूरी दुनिया में जहां पतली और स्लिम लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है, वहीं इस देश में लड़कियों का मोटा होना इनकी खूबसूरती होने की निशानी है। यहाँ पर लड़कियों को मोटा करने के लिए फैट फॉर्म भेजा जाता है, जहाँ पर पतली लड़कियाँ मोटी होती है। जिस महिला का वजन जितना ज्यादा होगा, उसे उतना ही आकर्षक और सुंदर समझा जाएगा। मोरिटानिया में लड़कियों को जबरन खिला खिला कर मोटा किया जाता है, क्योंकि लड़के वजन वाली लड़कियों को जल्दी पसंद करते हैं। कभी कभी महिलाओं को दवाइयाँ खिलाकर मोटा किया जाता है, लेकिन ये दवाइयाँ उनके लिए हानिकारक होती हैं, इससे उनमें बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ईरान, लंबी नाक। इस देश में लंबी नाक वाली लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है। लंबी नाक के लिए यहाँ की महिलाएं सर्जरी का सहारा लेती हैं। ईरानी संस्कृति में इसे धन और स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखा जाता है। जो महिलाएं महंगी सर्जरी नहीं करवा पाती, वो सर्जिकल टेप लगाकर घूमती है, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। ईरानी लड़कियां अपने साथियों को ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहती है कि वे इस तरह की सर्जरी का खर्चा झेल सकती हैं और इसका खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त धन्ना सेठ है, और साथ ही साथ ऐसी सर्जरी से गुजरने के लिए जिगरा भी रखती हैं। थाईलैंड, लंबी गर्दन। थाईलैंड में एक कायन लाहवी नाम से जनजाति है। मान लो यदि आप कायन लाहवी जनजाति के सदस्य हैं, आधुनिक समय में इनके गांव बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं, तो संभावना है कि आपकी ड्रीम गर्ल के पास एक लंबी सुराहीदार गर्दन होगी, जिसे तांबे के छल्ले से सजाया जाता होगा। असल में कायन लाहवी लड़कियां 5 साल की उम्र से ही इन भारी तांबे की कुंडलियों को पहनना शुरू कर देती हैं, और समय के साथ गर्दन लंबा करने के लिए ये हर साल इन कुंडलियों में एक नया छल्ला जोड़ती रहती है, जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी ये प्रथा चली आ रही है। लंबी गर्दन इन जनजातियों में सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चीन, लंबे पैर और पीला चेहरा। फुट बाइंडिंग सदियों से चीनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी कुछ वृद्ध महिलाओं में, खासकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसमें महिलाओं के पैर की उंगलियों को छोटा और नाजुक बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है और कपड़े सख्त तरीके से बांध दिया जाता है। इससे चीनी महिलाओं के पैर छोटे और नाजुक बन जाते हैं, जो कि सुंदरता का प्रतीक होता है। इसके अलावा चीनी लड़कों को लंबे पैर वाली लड़कियां भी बड़ा पसंद आती है, जिसके लिए यहाँ लड़कियां पैरों को लंबा करवाने के लिए सर्जरी करवाती हैं। ये एक जोखिम भरी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत महिलाएं अपने आत्मविश्वास और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पैरों को लंबा करवाती हैं। हमारे देश में जहां लड़कियों के पीले चेहरे को बीमारी से जोड़कर देखा जाता है, वहीं चीन और साथ साथ जापान में लड़कियों का चेहरा पीला होना खूबसूरती की निशानी है। जापान में महिलाएं अपने चेहरे को पीला रखने के लिए जिंदगी भर सूरज की किरणों से बचकर रहती है।
चीन में बीच पर भी वो फैसिकिनी लगा कर घूमती है ताकि धूप ना लग जाए। चीन में किसी का रंग डार्क है तो ये समझा जाता है कि वो फील्ड में काम करता और गरीब है ना जी। न्यूजीलैंड टैटू। टैटू का विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ और महत्व है। न्यूजीलैंड में माओरी समूह हजारों सालों से अधिक अपनी स्किन को खास काले और गहरे नीले पैटर्न के साथ सजा रहा है, जिसे टामोको कहा जाता है। इन सजावटों में ज्यादातर फेशियल और लिप टैटू शामिल होते हैं, जो महिलाओं में ताकत और सुंदरता और पुरुषों में वयस्क जिम्मेदारियों की तत्परता को दर्शाता है। इसका अच्छा उदाहरण आप मोयना एनिमेटेड मूवी में देख सकते हैं, जो कि मायोरी समूह के लोगों पर ही आधारित है। इसके अलावा इथोपिया की मुर्सी जनजाति में महिलाएं अधिक सुंदर दिखने के लिए लिप प्लेट पहनती है। वहीं केनिया में मासाई जनजाति की महिलाएं सुंदर दिखने के लिए अपने कानों को लंबा करवाती हैं, जिसके लिए पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों को कान में झुमकों की तरह पहनती हैं। वो मानती है कि इनका ईयर लोब जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। इन सब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के विपरीत जहां कई संस्कृतियां भारी श्रृंगार का चयन करती है, वहीं फ्रांस की महिलाएं प्राकृतिक लुक का विकल्प चुनती हैं, जिनमें बहुत कम मेकअप होता है। वहां लड़के भी उन्हें वैसा ही पसंद करते हैं वो जैसा हकीकत में है। तो ये थे विश्व भर में लड़कियों की खूबसूरती के पैमाने। वैसे तो खूबसूरती को किसी पैमाने में नहीं मापा जा सकता, लेकिन इन अलग अलग देशों में चली आ रही परंपरा के चलते लड़कियों को अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संस्कृति से हैं या आप कहां से आते हैं। याद रखें, एक महिला को जो विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक बनाती है वो उसकी अद्वितीय और आत्मविश्वास की क्षमता। कोई भी पुरुष ऐसी महिला का विरोध नहीं कर सकता जो अपनी त्वचा में सहज और आत्मविश्वास से भरी हो। यही सच्चा सौंदर्य है। इसलिए मुझे लगता है कि कुदरती मैं जैसा भी हूं, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है और अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को मॉडिफाई या खिंचवाने जैसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें।